Hey guys, good morning to all of you. I hope you all are doing absolutely fine. And अभी मैं 9:20 हो चुके हैं, मैं निकल रहा हूँ इंस्टीट्यूट के लिए ही. Hi and I hope you all enjoy today yesterday's vlog and you all like it. जानता हूँ थोड़ा लेट आया था, काफ़ी लेट आया था क्योंकि इस टाइम पे मैं एडिट करने बैठा था वीडियो, उस टाइम पे ही लाइट भाग गई थी. उसके बाद मेरे को करीबन 1.5 से 2 घंटे इंतजार करना पड़ा और जैसी वीडियो एडिट कर सकता था करी, जैसी मर्जी एडिट करना कर सकता था करी मैंने. एंड उसके बाद एडिट करने के बाद मैंने कहा इसको बेस्ट पे नहीं रख के बेटर पे कन्वर्ट करता हूँ, क्योंकि बेस्ट पे 1.5 से 2 घंटा ले सकता था और बेटर पे सिर्फ 1 घंटा या उससे भी कम, शायद उससे कम लिया था, 1 घंटे से भी कम लिया था. तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, फिर हो गया, जल्दी हो गया था वैसे, थोड़ा उससे तो काफ़ी जल्दी हो गया था. अगर मैं बेस्ट पे रखता तो आई थिंक बहुत टाइम लग जाता और बहुत समय लग जाता और शायद 12 बजे के बाद ही ब्लॉग आता. तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, आज थोड़ा लो क्वालिटी है बट मैंने भेज दिया था, जल्दी भेज दिया थोड़ा सा. तो आई होप आपको अच्छे लगो. बाकी यार लाइट जाना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, देखेंगे इसका भी जुगाड़ बनाएंगे किसी दिन. इन्वर्टर है घर पे, ऐसी बात नहीं है, बट वो क्या है ना कि फिर इन्वर्टर से बहुत सारी चीज़ें चलती हैं उस टाइम पे, दुकान की बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, तो इन्वर्टर पे लोड ना है इस वजह से मैं यूज़ नहीं करता उसे. बाकी ऐसी कोई बात नहीं है कि इन्वर्टर यूज़ नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूँ, बट बात वही है ना कि लोड आएगा ख़राब हो जाएगा तो वह इन्वर्टर भी नहीं रहेगा, है ना. आज मैंने कुछ सोचा है करूँगा मैं भी. मैं सोच रहा हूँ जैसे हर ब्लॉगर का सपना है यार कि उस वो एक मोटो ब्लॉगिंग करें, ठीक. मोटो ब्लॉगर बनना एक रियली लाइक अ ड्रीम फॉर एवरी ब्लॉगर. मैं कर सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ. मैं जुगाड़ बना रहा हूँ अभी, उसके लिए जुगाड़ बनाऊँगा एंड देन उसके बाद देखते हैं क्या होता है. जुगाड़ बनाऊँगा एक यहाँ पर अपने यहाँ पर ना, यहाँ पर मोबाइल को रखने के लिए जुगाड़ बनाऊँगा, ताकि मैं दोनों हाथों का यूज़ अच्छे से कर पाऊँ जब मैं गाड़ी चला रहा हूँ और मेरे को मोबाइल की कोई चिंता ना हो और वो ब्लॉग रिकॉर्डिंग करता भी रहे, है ना. फिर जब रिकॉर्ड हो जाएगा चेक करेंगे पहले तो, है ना. एंड देन देखो मोटो ब्लॉगिंग के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास अच्छी बाइक हो, किसी पे भी मोटो ब्लॉगिंग हो सकती है, स्कूटी पे, स्कूटर पे, किसी पे भी मोटो ब्लॉगिंग मोटरसाइकिल पे होती है. तो स्कूटी पे करो या किसी भी चीज़ पे करो, कोई दिक्कत की बात नहीं होती. ज़रूरी नहीं कि आपके पास KTM हो, बड़ी गाड़ी हो, सुपर बाइक्स हो, है ना, जरूरी नहीं है, कर सकते हो कैसे भी. मैं ट्राई करूँगा आज अपना जुगाड़ बैठाने की, जुगाड़ दिखाऊंगा तुम लोगों को कैसा होता है. एंड मुझे इसलिए पसीना आ रहा है, लाइट तो है, पसीना इसलिए आ रहा है मैंने पंखा बंद कर दिया है. ये देखो पंखा बंद पड़ा है, बहुत उमस हो गई है, पंखा चलाना पड़ेगा. चलो जुगाड़ के साथ मिलता हूँ. हाय गाइस, अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब क्या रखा है, ये एंड ये एंड ये. तो मैं अभी इस पर मार्किंग कर रहा हूँ, अपर मार्किंग मैंने कर दी है, थोड़ी बहुत मार्किंग कर रहा हूँ, बाद में बताऊँगा क्या है ये. ये देखो मार्किंग कर दी मैंने साइड टू साइड, जितनी जितनी मार्किंग करी है उतना उतना अभी काटूंगा मैं एंड बेस रहने दूंगा. इधर भी मार्किंग करी है मैंने, ये बताता हूँ पूरा प्लान क्या है, थोड़ी देर में आता हूँ दिखाता हूँ.
ये देखो इतना तो काट दिया मैंने। एंड इसे आप घर पे आजमाना मत, खासकर बच्चे बिल्कुल भी नहीं। थोड़ा सा इस साइड का भी काटे एंड साइड का भी। अभी आपने बोला ना कि गाड़ी को हाथ छोड़ के नहीं चलाना, तो मैं एक टूल बना रहा हूँ ऐसा जो मेरे यहाँ लटके उसके अंदर फ़ोन आए और फ़ोन से वीडियो बने, ऐसा बनाने की कोशिश करूँगी। थोड़ा टेस्ट होएगा फिर, ठीक है? चूड़ी का डिब्बा कहाँ से मिला है? यहीं से मिला। अभी इसका बेस तो कट गया है, इसकी ये जो है ना क्या बोलते हैं पीछे का, इसको काटना है। लेकिन ये चाकू जैसे नहीं कटेगा, चाकू को थोड़ा गर्म करना पड़ेगा तब कटेगा। चलते हैं यार गैस के पास, अब आ जाओ मम्मी। इस पर भी छेद हो गया, कट गया पूरा। लास्ट है लोहे की वो जो होती है रस्सी होती है, उसको लाना है। देखते हैं वो काम करेगी तो ठीक है, उसको लाते हैं। इसमें अंदर लेटा होगा ना, एकदम से हवाएं चलनी शुरू हुई। बारिश देखो क्या खतरनाक आ रही है, क्या खतरनाक बारिश आ रही है यार। सी तेज और खतरनाक वाली है। देखो भाइयों, ऐसा एज ए ब्लॉगर बिल्कुल जाना पड़ेगा, एंड जाना पड़ेगा। ये खुल के नहीं रहा है, छाता नहीं खुल रहा है, एक मिनट में छाता खुल गया। अब जाके छाता खुला, वो बहुत तेज बारिश है। बस मैं गिल्ला हो जाऊँ कोई बात नहीं, पर फोन गिल्ला बिल्कुल भी नहीं। वो यहाँ पे देखो पानी कितना हो गया, फ़ोन गिल्ला बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर फ़ोन गिल्ला हो गया ना तो आज वाट लग जाएगी। सीट यार सीट, क्या बारिश पड़ रही है ये देखो। आपको थोड़ा जूम इन करके दिखाता हूँ, ये देखो क्या बारिश पड़ रही है यार, इतनी तेज। दे आ गई यार बारिश, देखते हैं काफ़ी टाइम बाद बारिश पड़ी। पता है काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा उमस हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा उमस, एंड इसी बारिश का सबको इंतज़ार था भाई। काश ये लंबी पड़े हो, और काफ़ी अच्छी बारिश है, मतलब इसी बारिश का इंतज़ार था। छाता बहुत देर पर खुला एंड पैर पर ऊ भाई पैंट पूरी गिल्ली होगी नीचे से,
पैर पूरे गिल्ले हो गए हैं, अब जाना पड़ेगा वापस घर पे। चलो चलते हैं घर पे। एंड यार आज इस व्लॉग को इतना ही रखते हैं, बाकी का आपको कल दिखाएंगे। पर ये जो जुगाड़ बनाया है इसको मैं आपको कल पूरा बना के दिखाऊंगा, क्योंकि वो जो मैं रस्सी ढूंढ रहा था, मतलब जो लोहे की जो तार होती है वो ढूंढ रहा था, जो लेंटर पे लगती है वो मेरे को नहीं मिली। जब मिलेगी तब मैं बना दूंगा, पर अभी कोशिश कर रहा हूँ मैं कोई और मटेरियल ढूंढने की, जैसे कुछ और कुछ भी ऐसा मटेरियल जो चल जाए उसके अलावा। तो देखते हैं, अभी तो नहीं बन पाया, बट आधा काम हो चुका है। आपको कैसा लगा वो मैं मोटो व्लॉगिंग के लिए यूज़ करूँगा, एंड अगर हो सके तो उसको एज अ सेल्फी स्टिक भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। बस जुगाड़ बनाना पड़ेगा, एज अ सेल्फी स्टिक मैं उसे यूज़ कर सकता हूँ।